अब तक आपने देखा कि कैसे रामा विजयनगर राज्य को छोड़कर अपने तिनाली गांव वापस लौटाता है। और ऐसा इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि पंडित रामा के विजयनगर से पलायन करते ही विजयनगर के महल में राजा कृष्णदेव राय के राजमहल में षड्यंत्र होने लगे थे। क्योंकि षड्यंत्र कोई और नहीं महामंत्री तिमारसु के द्वारा रचाए जा रहे थे। महामंत्री तिमारसु विजयनगर के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका कृष्णदेव राय अधिक सम्मान करते थे तथा उन्हें अपने पिता के तुल्य मानते थे। परंतु राजा देव राय की मृत्यु के संदर्भ में ये कहा जाता है कि उनकी मृत्यु किसी और ने नहीं बल्कि मंत्री तिमारसु की साजिशों की वजह से हुई थी। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि तिमारसु ने षड्यंत्र रच के राजा कृष्णदेव राय की हत्या में अहम भूमिका निभाई। 1529 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई और वो मृत्यु जहर के कारण हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि राजा कृष्णदेव राय के खाने में धीरे जहर को मिलाकर उन्हें खिलाया जा रहा था, जिसमें कि महामंत्री तिमारसु का हाथ बताया जाता है तथा दरबार के कुछ अन्य दरबारी भी हुआ करते थे। तथा दूसरी तरफ ये माना जाता है कि तिमारसु ने कृष्णदेव राय और उनके पिता की तहे दिल से अपनी पूरी तन मन धन से सेवा की थी तथा कोई सवाल पैदा नहीं उठता कि वो कृष्णदेव राय की जान लेने पर तो लाएं। परंतु अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो इतिहास के पन्नों में ही वर्णित है। जहां पर कुछ साक्ष्य तिमारसु को दोषी ठहराते हैं वहीं उनकी प्रशंसा करते हैं। तथा मंत्री तिमारसु के पक्ष में एक और बात का खुलासा किया गया है। उन्होंने बताया है कि जब पूर्व शासक यानी कि विजयनगर साम्राज्य के पूर्व शासक जिनका नाम था वीर नरसिम्हा राव, जो कि विजयनगर साम्राज्य के पूर्व शासक थे, वे चाहते थे कि उनके पुत्र को राजगद्दी पर आसीन किया जाए। लेकिन अब होना कुछ ऐसा था कि कृष्णदेव राय को किसी परिस्थिति की वजह से राजगद्दी पर आसीन किया जा रहा था, जिससे नरसिम्हा राव काफ़ी ज़्यादा उदास थे। वो नहीं चाहते थे कि कृष्णदेव राय को गद्दी पर बिठाया जाए। इसी के संदर्भ में उन्होंने मंत्री तिमारसु की सहायता लेते हुए उन्हें अपने एक षड्यंत्र में शामिल करते हुए कृष्णदेव राय को मारने की साजिश रची। हालांकि वीर नरसिम्हा राव उस समय अपनी मृत्यु की शैया पर लेटे हुए थे, उनका अंत समय नज़दीक था और वो इससे पहले चाहते थे कि उनके पुत्र को वे राजा बनते हुए देख सके और कृष्णदेव राय को मरता हुआ देख सके। लेकिन मंत्री तिमारसु ने उनके इस षड्यंत्र को नाकामयाब कर दिया और कृष्णदेव राय की जान बच गई। इसी दौरान षड्यंत्र महल में जारी रहे और कृष्णदेव राय की जहर के कारण ही मौत हुई। अब भाई इसके हत्यारे तिमारसु को ठहराया जाए या किसी और को, कहना मुश्किल है। राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में काफी ज्यादा परिवर्तन आए जिनके परिणाम कई रहे, जिसमें से एक था राजगुरु तथा चार्य का विजयनगर को त्याग कर वापस लौट जाना। और इसी के साथ रामा भी जा चुके थे और नगर में पहले की तरह व्यवस्था नहीं रही थी। क्योंकि राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात सत्ता परिवर्तन हो गया था। हालांकि कृष्णदेव राय ने मरने से पहले यह घोषित कर दिया था कि अगला राजा कौन होगा और वो कोई और नहीं उनके भाई अच्युत्यादेव राय थे। जी हाँ, जिन्होंने उनका अगला उत्तराधिकारी घोषित किया था। तथा सत्ता के इस परिवर्तन के बाद महामंत्री तिमारसु को अपनी उपाधि छोड़नी पड़ी और उन्हें राज्य से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन तिरुपति में बिताया और उन्होंने राज्य से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि राजा के आग्रह करने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया। तथा ऐसा माना जाता है कि गरीबी में ही अपना जीवन यापन करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो उनकी समाधि यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पेनुकुंडा में उनकी समाधि बनाई गई है। यही नहीं, इसके पश्चात विजयनगर के भूतपूर्व राजगुरु तथा चार्य उनकी भी स्थिति खराब हो गई थी। राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात इन्होंने भी विजयनगर को त्याग दिया था और अपने निवास स्थान पर वापस लौट आए थे। और 3 दिसंबर 1543 में कांचीपुरम में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु का कारण प्राकृतिक वृद्धावस्था ही था।
और यदि अगर हम बात करें पंडित रामकृष्ण की मृत्यु की, तो राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु जो कि 1529 में हुई थी, इसके बाद उन्होंने, हमने जैसे कि पहले बताया, उन्होंने राज्य को छोड़ दिया था और तेनाली गांव वापस लौट आए थे, और इसके ठीक 30 वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का कारण बताया जाता है कि एक विषैले सांप ने इन्हें काट लिया था, जिसके कारण इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। न जाने कितनी ही बार इन्होंने कृष्णदेव राय के प्राणों की रक्षा की, राज्य की सुरक्षा की। इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी सूझबूझ और चातुर्य से विजयनगर में होने वाली समस्याओं को भी सुलझाने में सहायता की, लेकिन उनको ही किसी विषैले सांप ने उनकी आयु से पूर्व ही काट लिया। ऐसे में रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात तेनाली रामा की कहानी का किस्सा यही समाप्त हो जाता है। हालांकि ये चीजें अब कुछ रहस्य बनकर उभरी हैं कि जैसे कि कृष्णदेव राय की मृत्यु क्या स्मृति महारसु की साजिश थी या फिर कोई और कारण था। तो दोस्तों, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम आपको तेनाली रामा के एपिसोड 804 के बारे में जो कुछ भी हुआ था उसकी जो सच्ची घटना है उसको लेकर प्रस्तुत हो पाने में सक्षम रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड थी, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि भाई क्या कुछ हुआ है, इस कहानी का अंत क्या हुआ। तो हालांकि हो सकता है कि सोनी सब जो सीज़न 2 लेकर के आने वाला है उसमें वो अपनी अलग कहानी को प्रस्तुत करे, लेकिन ये जो कहानी हमने आपको इस वीडियो में बताई ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों, आपने बचपन में आप लोगों ने तेनाली राम या फिर तेनाली रामकृष्णा की कहानियां जरूर पढ़ी होंगी। स्कूल की किताबों में भी तेनाली रामा की कहानियों का जिक्र किया जाता है। तेनाली रामा एक कवि होने के साथ साथ एक चतुर इंसान भी हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह की कविताएं लिखी और अपनी बुद्धि और हास्य के लिए बहुत ज्यादा चर्चित रहा करते थे, और आज के समय पर भी तेनाली राम के ऊपर काफी सारे उपन्यास और काफी सारी कहानियां, इसी के साथ साथ सीरीज और एनिमेशंस बन चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको तेनाली रामा के जीवन परिचय के बारे में बताने वाले हैं। तेनाली रामा का जन्म 16वीं शताब्दी में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के गांव गरलापाड़ू में हुआ था। तेनाली रामा एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वह पेशे से कवि थे। वे तेलुगु साहित्य के महाज्ञानी माने जाते थे। अपने वाक चातुर्य के कारण वह काफी प्रख्यात भी थे और उन्हें विकट कवि के उपनाम से संबोधित किया जाता था। तेनाली रामा के पिता गरलापति रामैया तेनाली गांव में रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। तेनाली रामा जब आयु में युवा थे तभी उनके पिता ने गरलापति रामैया की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद उनकी माता उन्हें लेकर अपने गांव तेनाली अपने भाई के पास रहने चली गई। तेनाली राम शिव भक्त भी थे, इसलिए उन्हें तेनाली राम लिंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बाद में वैष्णव धर्म को अपना लिया था। तेनाली रामा को पाठशाला का विधिवत अभ्यास प्राप्त नहीं हुआ था, पर उनकी सीखने की तीव्र इच्छा और ज्ञान के प्रति उनकी धुन के कारण उन्हें शिष्यवृत्ति प्राप्त हुई थी। परंतु उनके पूर्व शिव भक्त होने के कारण वैष्णव अनुयायियों द्वारा एक शिष्य की तरह स्वीकार नहीं किया गया था। फिर एक महान संत ने उन्हें काली की पूजा करने की सलाह दी, और ऐसा कहा जाता है कि उस संत की बात मानकर तेनाली राम ने काली माँ की खूब तपस्या की, और उसी के परिणाम स्वरूप तेनाली राम को देवी काली से उत्कृष्ट हास्य कवि बनने का वरदान मिला। तेनाली रामा ने अपने आगे के जीवन में भागवत मेला मंडल के साथ जुड़ाव किया, और एक दिन भागवत मेला मंडल महाराज कृष्णदेव राय के दरबार यानी कि विजयनगर में पहुंचा, और वहां अपना कार्यक्रम प्रदर्शित करने के बाद तेनाली रामा को काफी ज्यादा उपहार मिले, और राजा कृष्णदेव राय भी उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को देखकर काफी प्रभावित हुए, और कृष्णदेव राय तेनाली रामा को अपने दरबार के अष्ट दिग्गज यानी कि 8वें स्कॉलर के रूप में हास्य कवि के पद पर शामिल कर लिया। महाराज कृष्णदेव राय वर्ष 1509 से 1529 तक विजयनगर की राजगद्दी पर विराजमान थे। तब तेनाली रामा उनके दरबार में एक हास्य कवि
और मंत्री सहायक की भूमिका में उपस्थित हुआ करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक तेनाली रामा एक हास्य कवि होने के साथ साथ ज्ञानी और चतुर व्यक्ति भी थे। कई बार रामा और कृष्णदेव राय को अकबर और बीरबल की जोड़ी के मुताबिक बताया जाता है। चूंकि बीरबल राजा अकबर के नौ रत्नों में से एक थे, ठीक उसी प्रकार राजा कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गजों में से एक रामा कृष्ण हुआ करते थे। और बीरबल की ही तरह हाजिर जवाबी, चतुर और समस्याओं को सुलझाने में काफी ज्यादा पारंगत हुआ करते थे। और इसीलिए तेनाली रामा राज्य से जुड़ी विकट परेशानियों से उभरने के लिए कई बार महाराज कृष्णदेव राय की मदद करते थे। उनकी बुद्धिमान और ज्ञान से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं। इन कहानियों की सत्यता को लेकर आप संदेह कर सकते हैं, लेकिन इनके गुणों पर नहीं। राज पुरोहित तथा चार्य, धूर्त, पाखंडी, लालची, मौका परस्त, विजयनगर साम्राज्य का वो काला धब्बा जिसका काम सिर्फ छल कपट और सियासत खेलकर अपना स्वार्थ पूरा करना था, लेकिन फिर भी राजा कृष्णदेव राय के बेहद विश्वास पात्र और विजयनगर के लिए एक महान और सम्मानित शख्सियत। तो क्या वाकई में ऐसे ही थे तथाचार्य? जी नहीं, इसमें से कुछ बातें सत्य हैं तो कुछ असत्य। वेल, मैं आपको बता दूं, तथाचार्य जिनका नाम लक्ष्मी कुमारा यथाचार्य, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के राज पुरोहित थे, उनकी पत्नी का नाम वरुणमाला और बेटियां अनंता लक्ष्मी तथा सौदामिनी देवी था। जी हाँ, लेकिन कुछ सीरीज में सौदामिनी देवी को उनकी बेटी की जगह राज नर्तकी बताया गया है। तथाचार्य के दो शिष्य हुआ करते थे, धनी और मणि, जिनका असली नाम धनीचार्य और मणिचार्य था। वे दोनों भी तेनाली रामा से शत्रुता रखते थे। तथाचार्य जितना बड़ा ज्ञानी था उससे अधिक पाखंडी था। लेकिन अगर हम सीरीज की बात करें, जो कि टीवी शोज हैं, और बाकी कुछ वेब सीरीज की बात करें, एनिमेशंस की बात करें, तो उनमें तथाचार्य को लोभी, पाखंडी और बुद्धिहीन दिखाया गया है। लेकिन वास्तव में वो पाखंडी तो थे ही, लेकिन उन्हें शास्त्रों का अच्छा खासा ज्ञान भी था। तथाचार्य जितने बड़े ज्ञानी थे उससे अधिक दिखावा करते थे वो। उन्होंने तेनाली रामा को कई बार राज्य से निष्कासित करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो हर बार विफल रहे, क्योंकि पंडित रामा काफी बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति उस राज्य के माने जाते थे। धनी मणि के गुरु थे राजगुरु तथाचार्य, और वे तीनों ही पंडित रामा से ईर्ष्या रखते थे। इतिहासकारों के अनुसार तथाचार्य वाकई में एक बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन घमंड भी था। तथाचार्य विजयनगर के महाज्ञानी पंडित त्रिकाल भक्त और उसकी पत्नी तथिनी का पुत्र था। तथाचार्य का जन्म राजस्थान में जयपुर में हुआ था। तथाचार्य के बड़े भाई का नाम अनंत कुमार अन्नाचार्य था, जिसके पास भगवान से संपर्क करने की शक्ति थी। वेल, ये कहां तक सत्य है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतिहास के अनुसार यही सत्य है। अनंता लक्ष्मी तथाचार्य की पुत्री थी। तथाचार्य जब भारत घूमने गया तो उसने कई सारी लोगों से मुलाकात की, कई सारे विद्वान उसे मिले और कई लोगों को उसने अपना गुरु भी बनाया। आखिर में वे विजयनगर आए और राजा कृष्णदेव राय के पिता तुलुभ नरस नायक से मुलाकात की, और राजा तुलुभ ने उन्हें अपना राज पुरोहित बना लिया। कृष्णदेव राय के राजा बनने के बाद तथाचार्य तेनाली नगर गया तथा वह अपने भक्तों को दर्शन देते हुए अपनी पालकी में जा रहा था। इसी बीच रामा किसी सब्जी वाले से झगड़ रहा था। गलती से रामा के गले पर सांप आ गया तो रामा ने डर कर वह सांप फेंक दिया और वो सांप जाकर के तथाचार्य के गले में पड़ गया। इसलिए सभी ने पालकी गिरा दी और सभी पालकी उठाने वाले लोग भाग गए। तथाचार्य नीचे कीचड़ में गिर गए और तथाचार्य ने रामा को बहुत डांटा। उस दिन के बाद तथाचार्य की रामा से शत्रुता हो गई। और अगर हम सोनी सब की तेनाली रामा सीरीज की बात करें तो उसके भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही दिखाया गया था, जो कि बिल्कुल सत्य घटना है। तो ऐसे ही रोचक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन को, जिससे आप हमारी आने वाली अपडेट्स को मिस ना करें।